हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एमडी कैफान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटर फ्रेंड, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो आप उन लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं या फिर सक्सेस होना चाहते हैं। आपको भी धक्का मार करके वहाँ पर सक्सेसफुल आपको बना देंगे। और अनपेसिव भी ऐसे ही है। यहाँ पर एक फाउंडर एक दूसरे को देख रहा है कि आज इतनी इसको हो रहा है, आज ये पोजिशन पर ये है तो कल मैं भी ये पोजिशन पर हूँगा। और डेफिनेटली ये बात सही है कि सक्सेस की भीड़ में खड़े होने वाले के इंसान की ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलती है यदि वो इंसान ठहर करके उन सक्सेस लोगों की भीड़ में खड़ा रहे। तो यहाँ पे वो सक्सेस लोगों की भीड़ है, सफल होने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को सफल मान भी चुके हैं। तो सारा खेल मानने का है यहाँ पर, जो आप क्या मानते हो और क्या नहीं मानते हो ये आपको मैटर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर मिस्टर एस फारे सर की। मिस्टर एस फारे सर ने जब 2018 में अनपेसिव कंपनी की नींव रखी तो यहाँ पे उनका भी ये विज़न था कि ये एक दिन बहुत बड़ी विशाल कंपनी बनेगी। और धीरे धीरे जब उनका विज़न स्टार्ट हुआ, विजनरी मतलब विजुलाइज करना उस चीज़ को कि ये चीज़ें विजुलाइज़ की कि यहाँ पे लाखों लोग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लाखों लोग हुए, तो आज जिस चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो, जिस चीज़ का आप सोच रहे हो, जिस चीज़ की आप विज़न देख रहे हो कि ये चीज़ें होने वाली आने वाले कुछ सालों के बाद में या फिर कुछ महीने के बाद में, वो चीज़ें आप यकीनन आने वाले कुछ समय के बाद देखने वाले हो। अभी मिस्टर एस फारे सर को ये कंपनी को स्टार्ट करने में, ये कंपनी को आगे बढ़ाने में, प्रोडक्ट बनवाने में, स्टाफ को मैनेज करने में, फाउंडर्स को मैनेज करने में या फिर गवर्नमेंट्स की रूल एंड रेगुलेशन पूरी दुनिया की मानने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और आगे भी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको फेस करना पड़ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ नया काम करते हो, जब भी कुछ आप नई बातें करते हो, नई तरीके से आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट करते हो, तो यकीनन आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए मिस्टर एस फारे सर का एक स्लोगन भी है कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। हम बार बार फेल होंगे लेकिन उस फेल होने की वजह से हम रुकेंगे नहीं, बल्कि हम बार बार प्रयास करते रहेंगे, बार बार लगे रहेंगे और चीज़ों को करके दिखाएंगे। और मिस्टर एस फारे सर ने वो चीज़ों को किया भी है। कई बार मिस्टर एस फारे सर यहाँ पर चीज़ें बोल जाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर होंगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें उससे डिले हो जाती हैं, वो तारीख वहाँ पे आगे चली जाती है। लेकिन यहाँ के फाउंडर्स इतने समझदार हैं, इतने ज़्यादा सिस्टम को समझते हैं कि यहाँ पे वो मिस्टर एस की बातों को वहाँ पे बिल्कुल समझ लेते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, जो मिस्टर एस बोलते हैं वो यकीनन बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सीईओ ने, एक कंपनी के सीईओ ने अपने फाउंडर्स के साथ में जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, जो भरोसा जताया है, जो उन पे यकीन करते हैं, जो उन पे लोग जो लोग मेंटर मानते हैं, उसकी वजह से उनके कई काम हम सब लोग आँख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कम लोग कर पाते हैं। आप लोग देखते होंगे मिस्टर एस को लाखों लाख लोग अपना मेंटर मानते हैं। आप लोग देखते होंगे मिस्टर एस को लाखों लाख लाख लोग अपना बहुत सारे यानी कितने दर्जे दे चुके हैं। कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना छोटा भाई मानता है, कोई मतलब भगवान तक का लोग उनको दर्जा दे चुके हैं। आप ये इमेजिन करो। तो ये दर्जे क्या एक पहलू ये है कि जहाँ पे मिस्टर एस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जहाँ पे मिस्टर एस को लाखों लाख लोग साथ में खड़े हैं? और एक पहलू ये भी आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे मिस्टर एस को धमकियाँ मिलने लगती हैं, जहाँ पे मिस्टर एस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे मिस्टर एस पे कंपनी पे केसेस होने लगते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर एस आते हैं और फाउंडर्स को ये बोलते हैं, मैसेज देते हैं या फिर वेबिनार्स में हमेशा खुशी खुशी कि यस, फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फेल होने का, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो जो अभी पिछले वेबिनार में कुछ दिन पहले बोली, वो क्या बात थी माय डियर फ्रेंड्स? आप सब लोग जानते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट थी कि ओनली गॉड कैन स्टॉप अनपेसिव, ओनली गॉड, सिर्फ खुदा है, वो अल्लाह है जो अनपेसिव को स्टॉप कर सकता है, बाकी इस दुनिया में किसी की औकात नहीं कि अनपेसिव को स्टार्ट बंद कर दे, स्टॉप कर दे। तो इस तरह का जो मोटिवेशन है, इस तरह का जो सीईओ लेवल सीईओ हमारे बीच में आकर के इतना अच्छे से जो हमें गाइड करते हैं, तो हमें हम मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उनके साथ चलने के लिए राजी नहीं हैं, उनसे बहुत अभी कुछ दिन हुए हैं मिस्टर एस दिखे नहीं, तो लोग यानी किस तरह की बातें करने लगे, यानी किस तरह के सवाल करने लगे, यानी किस तरह के सवाल उठाने लगे उस कंपनी को जिस कंपनी से वो इंतज़ार करते आ रहे हैं। तो मिस्टर एस का जो भी वादा है माय डियर फ्रेंड्स, वो यकीनन ज़रूर पूरा होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना बोलता हूँ आपको कि इस कंपनी के साथ में अगर आप लगे रहोगे
तो यहाँ पे जितने भी लोग सक्सेस होने वाली भीड़ है ना, वो आपको घसीट करके सक्सेस कर देगी। मिस्टर एक्स वाई सर आगे हाथ पकड़ने के लिए आपको खड़े हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लगे रहो, बने रहो और काम करते रहो। होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय। थैंक यू।